नमस्ते, मैं डॉक्टर संगीता दत्ता, मनोरोग चिकित्सक, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्रियनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। ये एक ऐसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जहाँ पे एक इंसान बहुत ही सुपरफिशियल इमोशंस लेके जीता है या जीती है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि यूजुअली औरतें ज़्यादा सफ़र करते हैं इस डिसऑर्डर से। इमोशंस बहुत सुपरफिशियल होते हैं ऐसे लोगों में, और रिलेशनशिप्स भी बहुत फ्रेजाइल होते हैं, यानी कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं रहता है। बहुत लोग बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं ऐसे लोग, और मैनिपुलेट करके झूठ बोलते हैं और दूसरे इंसान का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों में डेप्थ नहीं होता है, इमोशंस बहुत सुपरफिशियल और शैलो होता है। ऐसे लोग हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं, और सेंटर ऑफ अटेंशन बनने के लिए वो लोग अलग अलग तरीके का बिहेवियर दिखाते हैं। बहुत बार वो लोग प्रोवोकेटिव ड्रेसेस पहनते हैं, कपड़े बहुत कम पहनते हैं ताकि ऑपोजिट जेंडर को वो लोग अट्रैक्ट कर पाए। और इसके अलावा वो लोग यूजुअली प्रोमिस्कुअस होते हैं, फ्लर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, या सेक्सुअली प्रोमिस्कुअस भी होते हैं। वो लोग झूठ बोलते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। ऐसे डिसऑर्डर्स जिन लोगों में होता है, इसका कारण अलग अलग होता है। कभी कभार जेनेटिक कारण होता है, और कभी कभार बचपन में कैसे इन लोगों को बड़ा किया जाता है, बच्चों को, उस पर भी निर्भर करता है। देखा जाता है कि जिन घरों में प्रॉपर डिसिप्लिनिंग नहीं होता है, अर्थात जिन घरों में बच्चों को वही करने दिया जाता है जो उनकी वो लोग करना चाहें, और बहुत एक लीनियंट डिसिप्लिन होता है, परमिसिव डिसिप्लिन होता है, ऐसे घरों में ऐसे बच्चे जाके बाद में जाके उनका हिस्ट्रियनिक पर्सनालिटी ट्रेट्स होता है या डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा बहुत बार माता पिता बच्चों को सही बिहेवियर के लिए वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और जब बच्चा रॉन्ग बिहेवियर दिखाता है, चिल्लाता है, चीखता है, रोता है, तब वो लोग वैसे उन लोगों को रिवॉर्ड देते हैं या अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे अपब्रिंगिंग से बच्चों को पता भी नहीं लगता है कि किस बिहेवियर से उनको अटेंशन मिल सकता है। वो लोग हमेशा रॉन्ग बिहेवियर दिखा के अटेंशन पाना सीख जाते हैं। वो भी एक कारण होता है हिस्ट्रियनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। हिस्ट्रियनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्यूरेबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ट्रीटेबल है। ट्रीटमेंट हम लोग साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से करते हैं। सपोर्टिव काउंसलिंग या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा बहुत बार मेडिकेशंस भी लिखा जाता है, जैसे कि मूड को स्टेबल करने के लिए मेडिसिंस लिखा जाता है, ड्रामेटाइजेशन बिहेवियर, एंगर आउटबर्स्ट को भी कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस लिखा जाता है। बहुत सारे हिस्ट्रियनिक इंडिविजुअल्स अपने आप को हार्म करते हैं, जैसे कि रिस्क आप देते हैं, या अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखा सकते हैं अलग अलग तरीके से, और इसको भी हम लोग ड्रामेटाइजेशन बिहेवियर बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि काउंसलिंग या साइकोथेरेपी साथ में मेडिकेशन से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। आपको अगर ऐसा कोई दिखता है, या ऐसे एक इंसान को आप लोग जानते हैं जिसको हिस्ट्रियनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो इमीडिएटली एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए उनको लेके, और उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। ट्रीटमेंट से काफ़ी कंट्रोल आ सकता है सिम्टम्स पे। हमारा ये वीडियो लाइक करना या सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर से एक नए विषय लेके आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।